आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के ड्यूरिंग 3 क्लिनिकल टर्म जरूर सुनेंगे एंड इनमें से नंबर फर्स्ट टर्म नोज से रिलेटेड है, मतलब कि पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे नाक से ब्लड बाहर आ रहा है, मतलब कि ब्लड फ्रॉम नोज। एंड इसके लिए क्या मेडिकल टर्म होती है? इपिस्टेसिस। देखिए स्पेलिंग आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। एंड इसी के सिमिलर एक और वर्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इपिस्टेसिस। एंड इपिस्टेसिस इसे आप कहां पर पढ़ते हो? जेनेटिक्स के अंदर। ओवरऑल इपिस्टेसिस एंड इपिस्टेसिस ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट टॉपिक है। एक को आप कहां पढ़ोगे? नोज ब्लीडिंग के अंदर। एक को आप कहां पढ़ोगे? जेनेटिक्स के अंदर। एंड बाकी जो दो क्लिनिकल टर्म है ये रिलेटेड है माउथ से, मतलब कि पेशेंट दो कंप्लेन कर सकता है। एंड इन दो कंप्लेन में नंबर फर्स्ट कंप्लेन क्या है कि डॉक्टर साहब मेरे माउथ से खून की उल्टी हो रही है, मतलब कि जो ब्लड है वो वोमिट जैसा बाहर निकल रहा है, ब्लड की क्वांटिटी कुछ ज्यादा है। तो ओवरऑल खून की उल्टी, ब्लड एज वोमिट, इसके लिए क्या क्लिनिकल टर्म होती है? हिमेटिमेसिस। एंड ब्लड की क्वांटिटी अगर कम है तो उसके लिए सेकंड टर्म है और वो क्या है? हीमोक्टाइसिस। हीमोक्टाइसिस मतलब क्या होता है कि जब भी पेशेंट खांसता है, मतलब कि कफ करेगा, दिस इज कफ, तो कफ के साथ क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा, मतलब कि ब्लड की क्वांटिटी कम होगी और कफ के साथ ब्लड बाहर आएगा, या फिर स्पूटम के साथ, जैसे कोई विमल खाके थूकता है ना, तो ओवरऑल जो स्पूटम है उसके अंदर ब्लड मिक्स होकर आ रहा है। ओवरऑल सेकंड टर्म यानी कि हीमोक्टाइसिस, इसके अंदर मैंने क्या बोला कि जो ब्लड की क्वांटिटी है वो कम है और ब्लड कफ के साथ, या बोल दीजिए स्पूटम के साथ, पेशेंट के माउथ से बाहर आ रहा है।